हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ब्लॉग टाइम। तो ये वीडियो बनारस और विंध्याचल ट्रिप का दूसरा पार्ट है और अभी हम लोग निकल रहे हैं विंध्याचल में स्थित काली खो टेम्पल के लिए, जो कि माँ कालरात्रि का मंदिर है। और ये माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। तो हम लोग काली खो टेम्पल पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं, माँ का दर्शन करने के लिए कितने भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम लोग भी माँ का दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं आपको काली खो मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। काली खो मंदिर में तंत्र साधना के लिए तांत्रिक नवरात्र की 7वीं तिथि को माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की साधना करते हैं। और कुछ लोगों से पता चला है कि अंदर फोन ले जाना या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम लोग अंदर का वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। तो अंदर जाने पर हमें माँ कालरात्रि की एक सुंदर प्रतिमा का दर्शन मिलता है, जहाँ माँ विराजमान हैं और भक्तजनों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मंदिर के जस्ट बगल में एक अंडरग्राउंड प्लेस है, जहाँ पर एक कुआं है। उसी कुएं से लोग अपना थोड़ा सा जल निकालकर पीते हैं और वहाँ पर अपनी आस्था से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके ऊपर जाने पर एक पेड़ है, जहाँ पर लोग मन्नत मानते हैं। और ऊपर जाने पर हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हम लोग अभी चलेंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे। हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकलते ही आपको नेचर का एक खूबसूरत व्यू दिखाई देगा, जहाँ से आप एक अच्छा नेचर वाइब्स ले सकते हैं। अब हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते ही आप यहाँ पे 2 बच्चों को देख पा रहे हैं कि कितना प्रणाम करते हुए वो निकल रहे हैं। अब हम लोग अष्टभुजी माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और काली खो से अष्टभुजी माता का जो दूरी है वो केवल 5 से 10 मिनट का रास्ता है, जो कि आप ऑटो से जा सकते हैं। चलिए अष्टभुजा माता के दर्शन करते हैं। तो हम लोग अष्टभुजा माता के मंदिर पहुंच गए हैं और वहां से भी हम लोग को थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अष्टभुजा का जो मंदिर है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो हम लोग को थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो माँ अष्टभुजा का दर्शन हो गया है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे। और यहाँ पे चाय जो है कपटी वाला चाय फेमस है, तो कपटी वाला चाय पियेंगे। सर आप देख पा रहे हैं कपटी वाला चाय कितना देखने में टेस्टी लग रहा है, तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं। चाय पीने के बाद अब हम लोग बनारस के लिए निकल रहे हैं और बनारस के लिए हम लोग विंध्याचल से ऑटो से जाने वाले हैं, जो यहाँ से केवल 1.5 घंटे की रास्ता है। हम लोग बस से इसलिए नहीं गए या और ट्रेन से इसलिए नहीं गए क्योंकि दूरी उतना ही है और बस से जाने पर थोड़ा हरासमेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग बस से नहीं जा रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं बनारस में। तो फाइनली 2 घंटे की दूरी के बाद हम लोग बनारस पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ का फेमस लस्सी पियेंगे। तो चलिए पीते हैं लस्सी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि बनारस का 2 चीज़ हमेशा ज़्यादा फेमस रहता है, एक तो पान और दूसरा है लस्सी। और पान पे तो गाना भी बना हुआ है, खाई के पान बनारस वाला, तो वही हम लोग पान तो अभी नहीं खाने वाले हैं, अभी ठंडा ठंडा लस्सी पियेंगे। तो चलिए लस्सी को एंजॉय करते हैं। तो हमारा लस्सी रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लस्सी है। तो अभी हम लोग इसको एंजॉय करेंगे।
लस्सी इतना टेस्टी था कि मैंने तो तुरंत 2 कटोरी ख़त्म कर दिया है। तो चलिए फिर से लस्सी को एंजॉय करेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा बनारस की गलियों में घूमते हैं। तो यहाँ पे हर गली में छोटे मोटे दुकान से लेकर बड़े बड़े दुकान हैं और हर चीज़ के दुकान हैं। बनारस का साड़ी भी बहुत फेमस है, तो आप यहाँ से बनारसी साड़ी भी ले सकते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 9, तो आप हलचल तो देख सकते हैं। मार्केट का जो हलचल है, कितना अच्छा लग रहा है मार्केट, क्योंकि बनारस जो है टूरिज्म प्लेस है। तो अभी 9 बजे के बाद भी यहाँ का हलचल आप देख सकते हैं, कितना रौनक भरा है। रास्ते में घूमते घूमते मैंने यहाँ पे कुछ ठेले देखे जहाँ पे मुझे अनोखी रोटी दिखाई दी। वहाँ पे तवा रोटी ना बनाकर वहाँ पर कढ़ाई में रोटी बनाया जाता है, वो भी उल्टा कढ़ाई में, और ये रोटी मैदे की रहती है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का ये रोटी है और कैसा लगता है। तो ये जो ठेला था वो बिल्कुल भेज था, और हमने यहाँ का जो खाना था टेस्ट किया, इतना टेस्टी खाना था कि वेज खाना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लगा मुझे। तो अभी हम लोग सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग गंगा घाट के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए गंगा घाट और दर्शन करते हैं माँ गंगा का। तो गंगा घाट जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि बनारस टेंपल ऑफ सिटी है, लेकिन बनारस को गंगा घाटों का भी सिटी कहा जाता है। और काशी विश्वनाथ में 80 घाट हैं जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए उन घाटों को देखते हैं और उनका लुत्फ़ उठाते हैं। तो घाट के रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप मिलेंगे, जैसे गंगा जल लेने के लिए डिब्बे, फूल, माला तथा प्रसाद के भी शॉप मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रसाद डिब्बे ले सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्ट मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अभी स्नान करेंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग गंगा घाट पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं गंगा जी हमारे सामने ही हैं। तो अभी हम लोग स्नान उस तरफ गंगा के उस तरफ जाके करेंगे। तो आप अभी से ही देख सकते हैं यहाँ पे नाव कितने लगे हुए हैं और क्राउड भी ज़्यादा है, फिर भी हम लोग उस तरफ जाके स्नान करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हमें बोट मिल गई है और ये बोट पूरा 80 घाट तक भी घुमाती है, जिसका पर पर्सन का किराया है 100 रुपया। तो अभी हम लोग फ़िलहाल उस तरफ जाएंगे और स्नान करेंगे।
तो फाइनली हम लोग गंगा जी के इस पार पहुंच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। आप जिस तरह देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो चलिए स्नान करते हैं और फिर मंदिर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा ही लंबा होने के कारण अगला वीडियो पार्ट 3 में आएगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू।